नमस्कार दर्शकों, अली पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिया शर्मा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएचई द्वारा पिछले 7 महीने से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी डिमांड्स जो हैं फुलफिल नहीं हो रही हैं। उसी को लेकर अब तक 2 बंदों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और जिसमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर हुसैन जी, जो हैं प्रेसिडेंट हैं पीएचई के। सर, स्वागत है आपका अलीपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी डिमांड्स अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं और 2 बंदों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और 1 की मृत्यु हो गई है। देखो मैम, 2 नहीं, लगभग ही अभी तक पीछे 2018 का आंकड़ा उठा के देखें, लगभग 10-12 बंदों ने ऐसे हालत जिसमें लगभग 7-8 बंदे हमारे मर चुके हैं। और रात को ही एक दुखद खबर, जब डिस्ट्रिक्ट रियासी और तहसील बमाक से एक हमारे बारी सिंह है, हमारे साथी डिलीजर्स, उनने सुसाइड करने की कोशिश भी की और उनका जो है वहाँ पे ये वहाँ जो हमारे प्रेजिडेंट थे वहाँ डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें कन्फर्मेशन दी हमें सुबह गए कि उनकी डेथ हो चुकी है। और मैं चाहूँगा कि ये तस्वीर भी हमारे पास, कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जरा तस्वीर दिखा दें जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया रात को और जिनकी डेथ हो चुकी है। सर, क्या रीज़न रहेगा कि ऐसा करना पड़ रहा है? देखिए मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 7 सितंबर से हम स्ट्राइक पर हैं, जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमने स्ट्राइक की, रैलीज निकाली और आपने भी यहाँ कवरेज दिखी की होगी जहाँ सेक्रेटरीट के अंदर का घेराव किया हमने। और उसके बाद अगर देखें आप, तो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे थे तो उस टाइम भी हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाल की जिसको हमें धोखे के साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बंदी बना लिया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अब यहाँ की पॉलिटिक्स पार्टियाँ कहाँ सोई हैं, यहाँ के संगठन जो बड़े बड़े नाम पे आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो जितने भी संगठन, हम किसी का नाम नहीं लेंगे या पॉलिटिकल पार्टियों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आज हर कोई सिर्फ वोट कि हिंदू को कैसे डिवाइड करना है, मुस्लिम को कैसे डिवाइड करना है, उस चीज़ में लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसिक मुद्दे थे सोसाइटी से, वो गैप हो चुके हैं इनसे। और कल जैसे सबसे बड़ा त्यौहार जो होली का त्यौहार है, तो इस त्यौहार पर भी हमारे साथियों को सैलरी नहीं दी जाती है। और लास्ट मंडे को ही हमारा एक प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था और जिसमें हमें आश्वस्त किया गया था कि उसी दिन शाम को एक मीटिंग थी कमिश्नर सेक्रेटरी जी, मीटिंग के बारे में बताइए, मीटिंग में भी क्या कहा गया आपको? अभी तक मीटिंग से भी कोई आउटपुट निकल के नहीं आई थी। अभी मेरी चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई कोई 1 घंटा पहले, तो चीफ इंजीनियर साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं उधमपुर एक मीटिंग में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे जैसे फ्री होंगे तो हमसे मिलेंगे, लेकिन हमेशा हम लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये वही लोग हैं जो डोर स्टेप पर लोगों को पानी पिलाते हैं और फिर उनके पास इनके लिए पैसा नहीं होता है। और डिपार्टमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप ये जानते हैं कि 1500 करोड़ रुपए का बजट जो पीएचई डिपार्टमेंट के लिए रखा गया था 2019-20 के लिए, लेकिन अफसोस की बात है उसके लिए सिर्फ 300 करोड़ रुपया जो पीएचई डिपार्टमेंट्स के डिलीजन के लिए वेतन के लिए थे वो इनके पास नहीं है। और 520 SRO की जो फाइलें जो अभी भी धूल चाट रही हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट हो या हमारा चीफ जनरल ऑफिस, अभी तक कोई भी एक सिंगल आर्डर भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये पूरे जो 105,000 लोग या बाकी डिपार्टमेंट्स के पीएचई जितने मिला के हैं, इनको एक धोखा इनके साथ बार बार हो रहा है। और पीछे देखा होगा आपने कि भद्रवा में भी एक हमारा साथी जो पीडीडी में काम करता है, उनको भी इलेक्ट्रिक शॉट लगने से वो भी अपनी जान दे चुके हैं। और लोग दिन ब दिन मर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे किसी सोशल साइट्स, किसी ऑफिसर की या पॉलिटिकल से या डिपार्टमेंट तरफ की स्टेटमेंट नहीं आ रही है और कोई पेश रफ्त नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम साथियों को ये मैसेज देता हूँ कि ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपके परिवार को और ज़्यादा परेशानी हो। इसके लिए पूरी एसोसिएशन हमारी बैठी है, अभी भी हमारी मीटिंग चल रही है यहाँ पे, और 28 तारीख को एक फाइनल मीटिंग हमने कॉल की है जम्मू में, जिसमें हम ये फैसला लेंगे कि क्या आने वाले इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, फिर इन लोगों के साथ हम खड़े होंगे या हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। जो भी फैसला होता, एक ज़बरदस्त रणनीति बनाई जाएगी और जो लोग हमारे जिन्होंने जाने दी है, हम उनके बैनर लगा के गलों में डाल के पूरे आम जो जनता लोग हैं उनको भी अवेयर करेंगे इसके लिए कि इन लोगों ने ये हमारी हालत की है। और इनका जो है जो 2019 की जो रहा, जो बड़े बड़े दावे लोग कर रहे हैं, वो इनकी मुश्किल होगी। और वो डिलीजर्स जो 1 लाख जो 5,000 हमारी फैमिलीज हैं, हम उनको उतारेंगे और पूरे गाँव शहर शहर प्रचार करके इनको यहाँ से जो है इनकी कुर्सियों को यहाँ से लखनपुर से पार फेंक देंगे। तो ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन जी, जो प्रेसिडेंट है पीएचई डिलीविजर्स के। तो इनका ये साफ तौर से ये कहना था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये बहिष्कार कर देंगे इलेक्शंस को। तो ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए अली पोस्ट में। प्रिया शर्मा, अली पोस्ट, जम्मू।